है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका चिकित्सा के चतुष्पाद, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। अब इसमें आपको एक चीज मैं बोल रही हूँ, वो काम आपको जरूर करना है। ये जो मैं आज पढ़ाऊंगी, इसके बाद आपको चरक सूत्र 9 जो खुद्दाक चतुष्पाद अध्याय है वो जरूर पढ़ना है आपको, जरूर पढ़िएगा उसको। अभी तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर चांस है। अगर क्वेश्चन आया भी तो 5 नंबर में आएगा, यहाँ से पूरा का पूरा आपसे चतुष्पाद एक साथ पूछ लिया जाए, वरना नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन AIPGP में यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, और क्या उठ सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताती हूँ। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं चिकित्सा के चतुष्पाद। तो सभी जानते हैं कि चतुष्पाद के अंदर कौन कौन आता है, चिकित्सक यानी कि विशेषज्ञ, परिचारक, औषध और रोगी। इन चारों को मिला के हम क्या कहते हैं, चतुष्पाद कहते हैं, यानी कि चिकित्सा के चार पैर। अगर एक भी कोई ऊपर नीचे हुआ तो आप योग्य रूप से युक्ति पूर्वक चिकित्सा नहीं कर सकते, यानी कि चारों का होना जरूरी है। अगर आपके पास रोगी नहीं है तो चिकित्सक परिचारक कितने भी बढ़िया हो, वो चिकित्सा किसकी करेंगे। अगर आपके पास औषध नहीं है तो रोगी हो, भले ही कितना भी भयंकर उसको रोग हो, लेकिन औषध नहीं है आपके पास, ड्रग नहीं है, तो आप किससे चिकित्सा करोगे। और अगर आपके पास चिकित्सक ही नहीं है, सारी चीजें उपस्थित हैं और चिकित्सक ही नहीं है, तो आपको बताएगा कौन कि आपको कौन से रोग में कौन सी औषध लेनी है। तो कहने का मतलब ये है कि सबका होना इम्पोर्टेंट है, चारों होंगे तभी आप युक्ति पूर्वक चिकित्सा कर सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, यह सभी अपने अपने गुण से युक्त होकर विकार को शांत करते हैं, यानी कि सभी के अलग अलग गुण बताए हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो ये अभी सभी जो है अपने गुणों से युक्त होकर क्या करेंगे, रोग की चिकित्सा करेंगे, और कैसे, युक्ति पूर्वक। प्रत्येक के चार चार गुण होते हैं, पढ़ेंगे आगे। इस प्रकार कुल 16 कला युक्त चतुष्पाद होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भेषज या चतुष्पाद कितनी कला युक्त होता है, तो आपको बताना है 16 कला युक्त, क्योंकि 4 × 4 चार हैं, चारों के चार चार गुण हैं, तो कितना हो गया, 16। इम्पोर्टेंट है आगे के लिए, अभी नहीं पूछेगा कोई, याद रखना है। इसमें भी अगर आपसे बोला जाए कि चतुष्पाद में प्रधान कौन होता है, तो हमेशा वैद्य प्रधान होगा, क्योंकि वैद्य को ही पता होगा कि कौन से रोग में कौन सी औषध कितनी मात्रा में कौन से काल में देनी है। अगर ये सारी चीजें नहीं पता होगी तो आपके पास एक से एक बढ़िया ड्रग हो फिर भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या होता है, वैद्य को प्रधान माना गया है, क्योंकि रोग का निदान, लक्षण और उसकी चिकित्सा का ज्ञान वैद्य को ही होता है। कौन से निदान के सेवन से कौन सा रोग होगा ये रोगी पता नहीं कर सकता, केवल कौन पता कर सकता है, वैद्य पता कर सकता है इसीलिए। और उसकी चिकित्सा क्या होगी, कौन से सिम्टम है वो कौन से रोग को बताते हैं, ये भी वैद्य बताएगा। तो इसीलिए प्रधानता किसकी मानी गई है, वैद्य की मानी गई है। अब हम पढ़ते हैं इसके गुण, वैद्य के गुण क्या है। तो कोटेशन याद भले ही मत करना, हिंदी में याद रखना चारों गुण। वैद्य के कौन कौन से गुण बताए हैं, श्रुते पर्यावदातत्वम बहुशो दस्त कर्मता दाक्ष्यम शौचम इति ज्ञेयम् वैद्यो गुण चतुष्टयम्। क्या बोला गया है, श्रुते पर्यावदातत्वम, इसका मतलब क्या है कि उसको शास्त्र का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमारे पास चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, तो उसमें कौन से रोग का क्या निदान है, क्या लक्षण है, क्या चिकित्सा है, ये पूरा का पूरा उसको ज्ञान होना चाहिए। तो शास्त्र का परिज्ञान, इसका मतलब क्या है, श्रुते पर्यावदातम, कि शास्त्र का उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बहुशो दस्त कर्मता, उसने अपने सामने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली देखी हों। जैसे मान लो पंचकर्म में बस्ती है, तो हमें पता है बस्ती में क्या क्या है, लेकिन उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा कि बस्ती देते कैसे है, कितनी उसकी हाइट रखनी होती है, रोगी को कैसे सुलाना होता है, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसीलिए उसने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली देखी होनी चाहिए। कोई भी जो है सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, चार सूत्र हो रहा है, अग्निकर्म हो रहा है, तो उसका उसकी आंखों द्वारा देखा हुआ होना चाहिए। तो चिकित्सा संबंधी सभी कर्म के प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव उसको आवश्यक होना चाहिए। जैसे मान लो आप कोई भी औषधि बना रहे हो, जैसे जो है गुगुलू बना रहे हो कोई भी,
त्रिफला गुग्गुलू या सिंगनाथ कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुग्गुलू किस प्रोसेस से बना, ठीक है, और पंचकर्म आदि का ज्ञान होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, थर्ड जो है इसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, दक्षता। दक्षता का मतलब है कि उसको अपनी पूरी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि मुझे पूरा का पूरा प्रोसीजर है, जैसे कोई शस्त्र कर्म करना है या नॉर्मल ही ट्रीटमेंट चलाना है तो उसको पूरा उसको एज इट इज फॉलो करना आना चाहिए। तो चिकित्सा कर्म को पूर्ण रूप से संपन्न करने की कुशलता हो, ऐसा नहीं कि कोई भी रोगी आया और मान लो उसको कोई वुंड हो रखा है तो उसको उसने साफ कर दिया और बैंडेज बांध दिया, लेकिन उसके बाद उसने उससे पूछा ही नहीं कि भाई आराम है कि नहीं है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं, ऐसा बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से संपन्न करना चाहिए। फिर पवित्र, शारीरिक व मानसिक पवित्रता होनी चाहिए। अब शारीरिक पवित्रता तो यूं कि वो कोई प्रोसीजर करेगा, पता चले खुद ही हाइजीनिक नहीं है तो रोगी को और ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएगा। मानसिक यूं कि खुद के अंदर नेगेटिव विचार है, वो चलाए किसी और का ट्रीटमेंट करने तो वो किसी को क्या ठीक करेगा। यानी कि हमेशा ऐसे पॉजिटिव नेचर में रहना चाहिए कि आप मेरे पास आए हो, आप ठीक होके जाओगे। तो शारीरिक और मानसिक पवित्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट आया और उसके अंदर बहुत ज्यादा रोग भी नहीं है और लिख दी उसने 3-4-5 हज़ार की जो रिपोर्ट्स हैं कि ये जो है जांच करवाइए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको उससे बहुत ज्यादा पैसे वैसे लूटने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। फिर उसके बाद साथ ही वैद्य की वृत्तियां भी होती हैं। वैद्य की चार वृत्ति बताई गई हैं। यहाँ से AIPGT में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी वृत्ति होती है। मैत्री, कारुण्यम, आर्तेषु, शक्य, प्रीति, रूपेक्षणम, प्रकृतिस्तेषु, भूतेषु, वैद्य वृत्तिश्चतुर्विधा। चार वृत्ति बताई गई, क्या बोला है, मैत्री, सभी रोगियों के प्रति उसको मैत्री और करुणा का भाव होना चाहिए। यानी कि उसके पास कोई ट्रीटमेंट कराने आया है और कोई भी किसी भी तरीके की चोट खा के आया है तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा या उसके साथ रूडली बिहेव ना करे वो उसके साथ, ठीक है। तो मित्रता का भाव उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, आर्तेषु शक्य, जो रोग साध्य है उसकी उसको चिकित्सा करनी ही है, ऐसा नहीं कि उसको उसको आता है ट्रीटमेंट करना और उसने बोल दिया नहीं आप किसी और के पास जाइए, ऐसा नहीं। तो साध्य की पूर्णता चिकित्सा करनी आनी चाहिए। और उपेक्षा, जो रोग ठीक करने योग्य नहीं है यानी कि असाध्य है, उनकी क्या करनी चाहिए, चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए और रोगी को कैसा करना चाहिए, प्रकृतिस्थ करना चाहिए। यानी कि जो उसकी बीमार होने से पहले जो प्रकृति थी उसी प्रकृति में उसको क्या लेके आना है, वापस लेके आना है। तो ये सारी की सारी क्या बताई है, वैद्य की वृत्तियां बताई गई है। फिर उसके बाद है औषध के गुण। बहुत बोरिंग सा टॉपिक है पर कोई नहीं, पढ़ना तो है ही, सिलेबस में है। तो औषध के गुण में, औषध के अंदर भी चार गुण बताए हैं, कैसी होनी चाहिए, बहुता, जो आपको कहीं भी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप मान लो जयपुर में बैठे हो, राजस्थान में बैठे हो और वो औषध राजस्थान में अवेलेबल ही नहीं है, आपको कहीं दूर से मंगानी पड़े, ठंडे इलाके में होती हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कहीं भी मिलने वाली होनी चाहिए, जैसे आंवला है मोस्टली हर जगह मिल जाता है, तो बहुलता से मिलने वाली होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी होनी चाहिए आपकी योग्य औषध। दूसरा क्या है, योग्य होनी चाहिए। योग्य का मतलब क्या है कि रोग को नष्ट करने में योग्य हो। आपने कोई भी औषध दी, मान लो वो आपको पता नहीं था और वो 2 से 4 साल पुरानी है, अब वो उतना उसके अंदर वीर्य रहा ही नहीं कि वो किसी रोग को नष्ट करे, तो योग्य होनी चाहिए। यानी कि रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव सब उसके एग्जैक्ट होने चाहिए, सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए, किसी रोग को नष्ट करने में वो योग्य होनी चाहिए। और अनेक विध कल्पना, औषध आप ऐसे चूज करो जिसका आप, जिसे आप चूर्ण फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, जिसका आप क्वाथ भी ले सकते हो। जैसे आंवला है तो आमल की रसायन चूर्ण भी आता है, आंवला का स्वरस भी आता है, च्यवनप्राश अबले के तौर पर भी होता है। तो कई सारी उसकी कल्पनाएं आप बना सको कि कोई व्यक्ति है वो आंवले का चूर्ण नहीं खा सकता तो वो उसका अबले खा ले, तो
तो ऐसी औषध होनी चाहिए जिसकी कई तरीके की कल्पना बन जाए। फोर्थ पॉइंट है संपर्क, रस रस गुण वीर्य विपाक सभी पूरे होने चाहिए। साथ के साथ औषध ऐसी ना हो कि कृमीने खाली खराब हो गई हो, इन्फेक्शियस हो गई हो, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से औषध के भी कितने गुण बताए हैं, चार गुण बताए हैं। फिर आता है परिचारक के गुण। परिचारक कैसा होना चाहिए? उपचार ज्ञाता, उसको सारे के सारे प्रोसीजर करना आना चाहिए। अब जैसे कोई पेशेंट आया मान लो, तो उसका पंचकर्म लिख दिया सर ने, लिख दिया कि इसको वमन कराओ या बस्ती कराओ या नस्य कराओ, तो जो वैद्य है वो थोड़ी करेगा उसका नस्य बस्ती। ये सब प्रोसीजर किसको करने होते हैं? उपचारक को, उपस्थाता को, परिचारक को करने होते हैं। तो उसको सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए कि मान लो वो कटी बस्ती दे रहा है, कटी बस्ती से पहले उसको हल्का सा कटी का स्नेहन करना है, फिर वहां पर उसको उसका स्वेदन कराना है, फिर उसके बाद उसको कटी बस्ती के लिए वो उड़द का आटा और वो सारी चीजें लगानी है। तो उसको पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरे प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसीजर है वो किस तरीके से फॉलो करना है। तो सभी सेवा विधियों का ज्ञान पूर्ण रूप से उसको होना चाहिए। दक्ष होना चाहिए, कोई भी काम उसने शुरू किया, अब जैसे मान लो कि वो शिरोधारा करा रहा है, अब वो ऑयल को या फिर टक्कर को उसमें डाल के वो चला गया कि मैं अभी बाहर फोन पे बात करके आता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने काम शुरू किया है तो खत्म भी पूरा करना चाहिए, बीच में पेशेंट को छोड़ के कहीं नहीं चला जाए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य है उसको पूर्ण रूप से करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। भ्रातृ अनुराग, रोगी के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। मान लो अभ्यंग कर रहा है या पीपीएस कर रहा है, तो बस कर 2-3 मिनट में पूरे के पूरे शरीर का अभ्यंग कर दिया उसने, ऐसा नहीं। यानी कि पूरा काम जो कर रहा है वो मन लगा के और रोगी के प्रति प्रेम भाव रख के कि ये हमारे पास आया है तो ठीक होके जाए, ऐसा होना चाहिए। फिर है शौच, शरीर मन वाणी से पवित्र होना चाहिए, वही जैसे वैद्य था उसी तरीके से। फिर आते हैं रोगी के गुण। अब रोगी कैसा होना चाहिए? सबसे पहले स्मृतिवान, कोई भी आपके पास पेशेंट आया है तो उसको आपने कोई भी चीज़ बताई कि आपको खट्टा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, अब आपने लिखा नहीं मान लो पर्चे पे, उसको केवल बोल दिया और वो तो रास्ते में ही भूल गया उस चीज़ को, तो और फिर से उसने वही निदान लिए तो वो कैसे ठीक होगा? तो स्मृतिवान होना चाहिए कि जो भी वैद्य ने उसको निर्देश दिए हैं उसको याद रखे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दवाई कब लेनी है कितनी लेनी है, वो उसको याद रखना आना चाहिए। फिर उसके बाद निर्देशकारिता, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको कि इतने दिन बाद दिखाने आना है या आपको ये वाली जांच करवानी है, इसका सैंपल दो, या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन उसको दिए हैं वो सारे के सारे उसको फॉलो करना चाहिए। तो वैद्य की आज्ञा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, सारी दवाई टाइम टू टाइम ले। अभीरुता, गंभीर स्थिति से भी ना डरे। आपने बोल दिया कि आपका तो क्षार कर्म करना है या शस्त्र कर्म करना है, अब वो तो सुन के ही बेहोश हो गया तो फिर कैसे ठीक होगा? मान लो किसी पेशेंट को अर्श है, भगंदर है, और उसको बोल दिया आपका तो ऑपरेशन होगा और वो सुन के ही बेहोश हो गया, तो ऑपरेशन किसका करोगे? तो डरपोक नहीं होना चाहिए, उसके सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए डरना नहीं चाहिए। तो गंभीर स्थिति से भी नहीं डरे। और क्या होना चाहिए? ज्ञापक। ज्ञापक का मतलब क्या होता है? जैसे उसको कोई रोग है तो वो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री बता दे कि ऐसे ऐसे मेरे रोग की शुरुआत हुई थी, मैंने ऐसा खाया था, ऐसा खाता हूँ तो बढ़ जाता है, ऐसा खाता हूँ तो कम हो जाता है। तो अपने रोग के विषय में पूरी जानकारी देने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी जो षोड़श कला है उसके अलग अलग करके चार चार गुण जो हैं आपके सिलेबस में वो कंप्लीट होता है।